वेलकम एवरीवन। जब से ये नोटिफाई हुआ है कि ई इनवॉइस की लिमिट 10 करोड़ कर दी जाएगी 1 अक्टूबर 2022 से, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी यही है कि टर्नओवर कैसे देखें। हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि हम पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको टर्नओवर के लिए पूरी क्लैरिटी दूंगी। 3 केसेस मैंने यहाँ बना रखे हैं, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं ई इनवॉइस किसे बनाना है किसे नहीं, तो वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पर लिंक कर दी है। और ई इनवॉइस बनता कैसे है, जनरेशन सीखना है, तो वो वीडियो भी आई बटन पर लिंक है, आपको दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ई इनवॉइस की टर्नओवर के लिए वर्ड यूज किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट एक्सीड कर गई है नोटिफाइड लिमिट से, तो आप पर उस ईयर में ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ईयर कौन से देखने हैं, जब से जीएसटी आया तब से लेकर जितने भी फाइनेंशियल ईयर आते हैं वो प्रीवियस ईयर आपको देखने हैं। जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे ईयर लिख रखे हैं, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 23, 22, 23, ये है हमारा करंट ईयर। ठीक है, ये सारे ऊपर के जो ईयर्स हैं ये सभी ये क्या हो गए, हमारे प्रीवियस ईयर। तो इन प्रीवियस ईयर्स में से किसी भी ईयर में अगर टर्नओवर लिमिट से इंक्रीज कर गई, लिमिट कितनी है 10 करोड़, तो फिर ई इनवॉइस कौन से ईयर में एप्लीकेबल हो जाएगा, 22-23 में, यानी 1 अक्टूबर 2022 से इस केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी टर्नओवर देखिए 18-19 में भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, 19-20 में भी 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो 1 अक्टूबर से 10 करोड़ की लिमिट हुई है, तो 1 अक्टूबर से 22-23 में इनको ई इनवॉइस बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब लेते हैं हम अगला केस, केस नंबर 2। इस केस में देखिए करंट ईयर जो है हमारा ये 22-23 में, इसको कलर कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, दिस इज़ द करंट ईयर। इसमें टर्नओवर 11 करोड़ है, 10 करोड़ से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर्स में चेक करते हैं, किसी भी ईयर में, पिछले प्रीवियस ईयर में किसी में भी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है लिमिट, यानी उनको इस ईयर में 22-23 में ई इनवॉइस नहीं बनाना है। 1 अप्रैल 23 से, यानी 2023-24 से बनाना पड़ेगा, क्योंकि 22-23 की टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर गई। क्लियर हो गया? अगला केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए आप, जो करंट ईयर है उसमें तो टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, बट प्रीवियस ईयर्स में एक ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो रही है, तो इस केस में भी इनको करंट ईयर जो है 22-23 उसमें 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और टर्नओवर की कैलकुलेशन के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर को यूज़ करना है, जिसके लिए हमें कौन से सेक्शन में बताया गया है, 2 सबसेक्शन 6। चलिए वो डेफिनेशन भी आपको दिखा देते हैं। डेफिनेशंस सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 बात करता है एग्रीगेट टर्नओवर, बोलता है मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो तो आएंगी ही, इसमें एक्सक्लूड करनी है आपने इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपकी परचेज है, तो सिंपल आपकी जो भी टैक्सेबल सप्लाई है उसमें ऐड करना है, जो भी आपकी एग्जाम्ड सप्लाईज हैं ऐड करना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, यानी यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफर्स की बात हो रही है वो भी ऐड करना है आपको, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड करना है जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो अगर किसी पर्सन के एक ही पैन पे एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है तो सभी की टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस टर्नओवर लेनी है, और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है जो मैंने आपको बताया, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सक्लूड करना है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। बहुत ही आपको केयरफुल रहना होता है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। और अभी कम्युनिटी पोस्ट में हमने अभी एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था, ठीक है, इस पे येस और नो में आपको रिप्लाई करना था कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी के एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, ठीक है, तो इसका आंसर था नो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड पूछूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, आपको एक्टिवली पोल्स में पार्टिसिपेट करना है ताकि मैं पर्टिकुलर एग्रीगेट टर्नओवर अंडर जीएसटी पे एक
कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी डिटेल में, जितने भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड क्वेरीज है ना वो आप पूछ लेना ताकि मैं उस वीडियो में कवर कर सकूं। साथ ही आपको बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हमारे चैनल पे मिल रही हैं, 60 सेकंड्स की शॉर्ट होती हैं और क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, ठीक है। और हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे मैगजीन सेक्शन में आपके लिए अगस्त की मैगजीन भी अवेलेबल हो गई है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री मैगजीन है। और हमारे कोर्सेज का तो आपको बेनिफिट लेना ही है, GST, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और 99C 21-22 का जल्दी ही हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। हमारे सभी कोर्सेज का भरपूर बेनिफिट लीजिए, वैसे भी आपको 25% का हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करते हैं अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उसको रिव्यू करते हो। आपको हमारी टीम से बात करनी होती है, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए बिकॉज दीज आर डिटेल्ड एंड परफेक्ट कोर्स इफ यू वॉन्ट टू एडवांस योर नॉलेज इन GST, इनकम टैक्स एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, बाय बाय।